कर लिया होता प्रचार तो परिणाम बेहतर होते। सबसे पहले तो मैं अपनी बहन विभा जी के जो बात आप निश्चित तौर पे आप बिल्कुल किसी के बात में मत आइए, सभी जानते हैं, पूरा प्रदेश जानता है कि आलोक राजा जी जनता की आवाज है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। धन्यवाद सर। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि प्रश्न तो खड़ा होगा कि जब भारतीय जनता पार्टी स्तंभ भरती है कि मैं तो कब्जा किया हूँ यहाँ पे, यहाँ नगर निकाय में कब्जा है, आखिर जो विभा जी ने कहा है सही बात है कि एक भी काम किया हो, एक जैसे आपने प्रश्न किया कि जो हमारे यहाँ लखनऊ की जो संकल्प पत्र में बार बार संकल्प पत्र घोषणा पत्र, अरे मैं कहता हूँ कि आपने 2014 में जो देश की जनता से वादा किया था क्या एक भी पूरा करने का काम किया है? क्या आप लोग संकल्प में जो वादा किया था एक भी वादा पूरा करने का काम किया है? कांग्रेस का इसमें मैं कहूं तो कांग्रेस का शानदार जानदार और धारदार इतिहास रहा है कि जो कांग्रेस ने कहा है उसको करके दिखाया है। और इसी नगर निकायों को ये जो 74वें संविधान की जो संशोधन की बात करते हैं, ये हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी प्रधानमंत्री जी थे, उनके प्रधान नेतृत्व काल में किया गया था। और आज जब उस जो है जो जब ये नगर निकायों का एम्पावरमेंट करके देश के एक से एक राज्यों में शहरों को बड़ी बड़ी बातें हो गई, इतने राजनीतिक दल आए राज करा, लेकिन 74वें संशोधन को लेकर स्थिति जस की तस है। सर, इस सवाल का जवाब जरा मैं आपसे चाहूंगा।